LoWAMH को लेकर हम सब बहुत परेशान होते हैं, लेकिन क्या हमें पता है कि LoWAMH एक्चुअली में क्या होता है? हाय, आई एम डॉक्टर शिविका, कंसल्टेंट फ्रॉम बिरला फर्टिलिटी एंड IVF। आइए जानते हैं कि LoWAMH क्या होता है। जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं और अगर हमारा AMH वैल्यू लेस देन 1.5 आए तो इसको हम LoWAMH कहते हैं, और अगर वैल्यूज लेस देन 0.4 आती हैं तो इसको हम वेरी LoWAMH कहते हैं। क्योंकि हमारे नंबर ऑफ एग्स एक रेट पर डिक्लाइन होते रहते हैं विद एज, इसीलिए हमारा AMH विद एज कम हो जाता है। 35 ईयर्स के बाद ये रेट ऑफ डिक्लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और 40 ईयर्स के बाद तो बहुत अग्रेसिवली डिक्लाइन होता है एग्स का। अब हमारा ये क्वेश्चन है कि AMH कम होने के क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। एज सच बॉडी में कोई फिजिकल सिम्टम्स लाइक पेन, हेडेक ऐसे नहीं होते हैं, बट हमारी बॉडी कुछ ना कुछ छोटे मोटे सटल साइंस देते रहते हैं कि कहीं AMH में प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे कि आपका पीरियड का लेंथ कम हो सकता है, अगर पहले पीरियड्स 30-32 डेज के आते हैं, क्या पता अब आपके पीरियड्स 28-26 डेज के आ रहे हैं। नंबर टू, आपके पीरियड का ब्लड फ्लो ऑल्टर हो सकता है, क्या पता पहले आपको 5-6 डेज के लिए ब्लीडिंग होती हो और अब आपकी ब्लीडिंग कम होकर 2-3 डेज की हो गई है या फ्लो कम हो गई है। बहुत लोगों का एक क्वेश्चन होता है कि हमारा AMH लो कैसे हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल, एग्स के डिक्लाइन होने का कोई मेडिकल रीज़न नहीं है। 10% के रेट पर एग्स डिक्लाइन हमारे डिक्रीज होते ही होते हैं। नंबर टू, अगर ओबेसिटी है, अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, अच्छी डाइट नहीं अगर हम खा रहे हैं, स्मोकिंग, अल्कोहल जैसी हैबिट्स हैं, इन सब से हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस होते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स हमारी ओवरीज को बहुत हार्मफुल इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, और सबसे पहले हमारे एग्स कम होते हैं। कई और जेनेटिक कंडीशंस होती हैं जिसमें AMH कम होता है। कई कंडीशंस होती हैं जैसे प्रीमैच्योर ओवेरियन इंसफिशिएंसी, अगर किसी पेशेंट को कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी हुई है उनके भी एग्स ज़्यादा कम हो जाते हैं। लो AMH से हमें क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? एग्स कम है, अगर एग्स कम है तो हमारे एम्ब्रियोज भी कम बनेंगे, एम्ब्रियोज कम बनेंगे तो प्रेगनेंसी होने के रेट भी कम हो सकता है। इसी तरीके से अगर हम कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट कर रहे हैं, IUI या IVF कर रहे हैं, उसमें अगर कम एग्स हैं तो कम एग्स ग्रो होंगे, साइकिल के कैंसिलेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कम एग्स हैं तो अबनॉर्मल एग्स भी होंगे उसमें से, तो फर्टिलाइजेशन भी अबनॉर्मल हो सकती है। एक और बहुत फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन जो सब पेशेंट्स पूछते हैं कि मेरा AMH कम है, इसको मैं कैसे इंक्रीज कर सकती हूँ। सो अगर साइंटिफिकली बात करें, अगर AMH कम हो गया है दैट मीन्स आपके एग्स लॉस्ट हो गए हैं, तो जो एग्स लॉस्ट हैं उनको हम वापस नहीं ला सकते, AMH को बढ़ाया नहीं जा सकता। बट हाँ, हम द रेट एट विच दीज एग्स आर डिक्लाइनिंग, हम उस रेट को स्लो डाउन ज़रूर कर सकते हैं। जो भी मेडिसिंस या जो भी हम ट्रीटमेंट्स करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंटल हैं और कुछ सिर्फ प्रोफाइलैक्टिक हैं, जो आपकी रेट ऑफ डिक्लाइन को कम करने में हेल्प करते हैं। लो AMH होने का ये मतलब नहीं है कि आपको अपना बेबी नहीं हो सकता, या अगर आपको बेबी होगा तो वो एबनॉर्मल होगा, या आपको डोनर एग ही हमेशा लेना पड़ेगा। आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाइए, अपनी रिपोर्ट्स डिस्कस करिए। इट इज़ अ वेरी मैनेजेबल कंडीशंस, प्लीज़ डोंट पैनिक, जस्ट एक्सेप्ट योर सिचुएशन। बुक अ फ्री कंसल्टेशन टुडे।